and I'm getting mighty tired of your trifling ways and of listening to that jackass Bray. अस्सलाम वालेकुम। तो आज जिस बाइक का आपके लिए रिव्यू लेके आया हूँ वो आपको नज़र आ रही होगी, कावासाकी निंजा 350 सीसी के अंदर मैं लेके आया हूँ। तो बाकी मज़ीद मैं इसके बारे में नहीं बातें करूँगा क्योंकि इसकी ज़्यादा मज़ीद जो डिटेल्स है वो इसके ऑनर से पूछेंगे, इसकी प्राइस पूछेंगे और ये पूछेंगे कि उनकी इसके बारे में क्या राय है। तो चलें उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो जहाँ तक बाइक के स्पीडोमीटर की बात है तो जो आपको RPM वाला मीटर है ये आपको एनालॉग में मिल जाता है और साथ ही अगर आप इसके ये चेक करें ये आपको साथ ही डिजिटल में मिल जाता है। इसके अंदर आपको यहाँ पे इसकी स्पीड का नीचे इसके जो कि अभी तक एवरेज टोटल चल चुकी है वो राइट साइड पे फ्यूल की एवरेज का मिल जाता है ऑप्शन, और साथ ही आपको अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे न्यूट्रल इसके जो गियर का ऑप्शन है वो भी आपको यहीं पर मिल जाता है, गाड़ी किस बाइक में किस गियर में इस टाइम खड़ी है। और साथ ये जो भाई ने मीटर लगवाया ये वैसे आफ्टर मार्केट लगवाया हुआ है तो गाड़ी के जो मीटर की लुक है वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी है। अच्छा तो बाइक के अगर कंट्रोल्स की बात कर ले तो यहाँ पे आपको एक किलर स्विच मिल जाता है, नीचे आपको इसकी हेडलाइट्स का ऑप्शन मिल जाता है और साथ ही नीचे इसकी सर्फ का बटन मिल जाता है। और साथ ही अगर ये चेक करें या आप अपनी मर्ज़ी से इसके जो ब्रेक का लीवर है इसको एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब इसको आगे पीछे करके तो इसको मतलब और नज़दीक लाना चाहे वो कर सकते हैं। और अगर आप इसकी लेफ्ट साइड पर देखें यहाँ पर आपको फ्लैशर का बटन मिल जाता है, यहाँ पर हाई लो बीम का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पर चौक का बटन मिल जाता है, ये इंडिकेटर, और साथ नीचे हॉर्न का ऑप्शन मिल जाता है। तक अगर बाइक के फ्रंट व्यू की बात है आप फ्रंट से देख सकते हैं बाइक को, फ्रंट के अंदर इसके अंदर हमें दो हेडलाइट्स मिल जाती हैं जो कि प्रोजेक्टर लैंप्स में है और जो ईगल आइज में है, और साथ ही अगर आप इसके देखें तो बिल्कुल ये वाइट कलर की आपको DRL मिल जाते हैं। और अगर इसके आप इंडिकेटर का ऑप्शन देखें जिस तरह के मैंने वो पीछे वाली बाइक का व्लॉग किया था जिसके अंदर सुजुकी जिक्सर 150 थी उसके मतलब अलग से इंडिकेटर निकले हुए थे, मगर इसके अंदर जो इसके अंदर बॉडी किट के अंदर ही मतलब वो लगे हमें मतलब फील नहीं होते कि यार ना टूटने का खतरा है ना कुछ इसके अंदर। और बाकी नीचे देख सकते हैं गाड़ी की जो लुक है फ्रंट से वो काफ़ी अग्रेसिव लग रही है। और बाइक के अगर फ्रंट व्हील की बात करते हैं तो फ्रंट व्हील जो कि आपको डुअल डिस्क ब्रेक में मिल जाता है और जो कि इसकी सस्पेंशन है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, जिस तरह के बताया गया इसकी जो बाइक के फ्रंट सस्पेंशन है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। उसका जो टायर है वो 110/70/17 में भी आपको मिल जाता है। और साथ ही अगर आप इसकी बाइक की साइड लुक देखें तो मतलब पूरी इसकी कावासाकी वाली लुक है, क्योंकि है सिर्फ उसका रेप्लिका है, बाकी इसके अंदर टोटली वही चीज़ें, सिर्फ ये है कि इंजन की वजह से जो है रेप्लिका है जो उसकी वजह से होने से मतलब थोड़ी बहुत जो इंजन की चेंजिंग है वही चेंजिंग। बाइक के इंजन की बात है, इसका बाइक का इंजन भी काफ़ी खूबसूरत है और साइज़ में काफ़ी बड़ा है, और इंजन जो इसका मतलब जो मैंने पहले बाइक का किया था जिक्सर का उसका एयर कूल इंजन था, इसके अंदर जो कि रेडिएटर यूज़ किया हुआ है जो कि इसके लिए बहुत ज़बरदस्त है। गर्मियों के अंदर ये आप देख सकते हैं इसका रेडिएटर का ऑप्शन ये आपको सामने मिल जाता है, और नीचे ये दो सिलेंसर हैं जिसको आगे जाके मर्ज करके ये एक इन्होंने टॉस का सिलेंसर लगवाया है। उसके अलावा अगर बैक साइड की बात करें बैक साइड पर आपको एक मोनोशॉक मिल जाती है, ये अगर आपको मैं दिखा सकूँ ये आपको बैक साइड पर एक मोनोशॉक मिल जाती है, और इसके जो रेयर व्हील की बात है वो आपको वहाँ पर एक डिस्क ब्रेक मिल जाती है, और ये भी मतलब काफ़ी ज़बरदस्त इसकी ब्रेकिंग सिस्टम है। और मतलब इसका जो बैक वाला व्हील है रेयर व्हील उसकी बात कर लेते हैं तो बैक व्हील है वो 150/70/17 में आपको मिल जाता है, और साथ ही अगर आप इसके देखें ये आपको मडगार्ड मिल जाता है। साथ ही जैसा कि आप गाड़ी की बैक साइड से इसकी लुक देखें तो इन्होंने R1 के अंदर जो टॉस वाला एग्जॉस्ट होता है वो फिट कराया हुआ है, और गाड़ी की लुक पीछे से माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारी है। अगर बैक की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एक LED लाइट बैक मिल जाती है और साथ ही इसका आपको कवर मिल जाता है बैक साइड पर, और इंडिकेटर जो है जो आफ्टर मार्केट लगे हुए हैं अगर आपको ये दिखाएं तो ये देखें बड़ी खूबसूरती के साथ इसकी जो बैक लाइट है इसके अंदर LED यूज़ किए हुए हैं ये ब्लू और रेड कलर में, और साथ ही अगर आप इसके इंडिकेटर देखें तो इंडिकेटर आपको चलाइए क्योंकि आफ्टर मार्केट लगे हुए हैं, तो ये बड़ी खूबसूरती से देखें मतलब पूरा एक पैटर्न के लिहाज से चलती है। यहाँ बैक लाइट के अंदर भी ऑप्शन है इसके इंडिकेटर का, अगर आप वो यूज़ नहीं करना चाहते आफ्टर मार्केट लगवाना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ पर भी ऑप्शन मिल जाता है, ऐसे ही आपको लेफ्ट साइड वाला भी मिल जाता है एक पैटर्न के लिहाज से मतलब ये चलते हैं। बाइक के अगर इस साइड की व्यू की बात करें आप देखें यहाँ पे आपको मडगार्ड के साथ आपको यहाँ चेन कवर मिल जाता है जो कि बड़ी खूबसूरती साइज के साथ अटैच किया हुआ है, और ये एक मतलब काफ़ी खूबसूरती भी दे रहा है इसको, और मतलब इसकी चेन वगैरह का साइज़ भी देख सकते हैं बाकी बाइक के हिसाब से मतलब काफ़ी मोटा भी है,
और यहाँ अगर आप सीट के ऊपर देख लें, यहाँ पे आपको एक वायर मिल जाती है जो कि इसके पीछे वाली जो सीट है उसको खोलने के लिए मिल जाती है। साथ ही अगर आप इंजन की साइड से आपको देख लें तो यहाँ पे आपको सर्फ वगैरह नज़र आ जाएगी और यहाँ पे आपको जो लेफ़्ट साइड पे गियर वगैरह के ऑप्शन वगैरह मिल जाते हैं। तो अब हम बाइक के ऑनर से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनके इसके बारे में क्या राय है। तो सी भाई, आप बताना चाहेंगे कि आप बाइक लेके मुतमिन हैं और कैसा फील होता है आपको बाइक लेके जब आप रोड से गुजरते हैं तो लोगों के क्या रिएक्शन होते हैं आपको देख के? मुझे वाकई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इसका। सही, तो मतलब इसकी आवाज़ वगैरह, डबल सिलेंडर है तो हाँ, मैंने देखा है आपने इसके डुअल सिलेंडर लगवाए हैं ये, मतलब ज़्यादातर मैंने R1 में देखा है जो कि R1 2006 मॉडल, उसी के अंदर ये मतलब उसी का ही एक मैंने लिया हुआ है। अच्छा, साथ का। अच्छा, तो आपने एग्जॉस्ट आफ्टर मार्केट कितने का परचेज किया था? ये मैंने तकरीबन 18,000 में लिया। 18,000 का, ठीक हो गया। अच्छा, ये है कि आपको बाइक कितनी एवरेज देती है, मतलब इसके एग्जॉस्ट चेंज करने से कोई इसकी फ्यूल एवरेज पर फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता? ज़्यादा नहीं पड़ा, पहले अगर ये एवरेज दे रही थी 35 की तो अब 30-32 दे रही है। सही है, मतलब इतनी कम भी नहीं है, इतनी ज़्यादा भी नहीं, ज़्यादा भी नहीं है। आप तो मतलब मैंने सुना बताया जिस तरह के आप टैंकी एमर फुल करवाते हैं तो वहाँ फिर जब ख़त्म ही होती है तो तब भी इसका मतलब करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, इसकी जो ब्रेकिंग सिस्टम वगैरह वो किस तरह है, आप इसके बताएंगे? ब्रेकिंग सिस्टम इसका बहुत आउट क्लास है क्योंकि बैक भी डबल पिस्टन में है, फ्रंट तो है भी, दो डिस्क ब्रेक हैं वो भी डबल डबल पिस्टन में। ठीक, मतलब आपको इसकी मतलब ब्रेकिंग की वजह से कभी मसला वगैरह? ब्रेकिंग का समझ आज तक नहीं मसला, मतलब मैं अगर मेरी स्पीड 160 पे भी है तो फौरन रुकती है। सही हो गया, मतलब आप इसका मतलब 160 वाले चलाने वाले जवाब होते हैं ना जो रोड पर नज़र नहीं आते, ये वाले भाई हैं जो मैंने पहले बताया था रिबॉन के अंदर भी जो लोग अंधा करते हैं वो भी यही भाई हैं, जब हमने पकड़ लिए हैं जो ये शैतानी करते हैं ना रोड के ऊपर यही वाले भाई हैं आज हमने पकड़ लिए। अच्छा, बाकी बातें तो होती रहेंगी। अच्छा, आप इसके बताएंगे इसके इंजन में ऑयल कितना डलता है? इसका इंजन क्योंकि डबल सिलेंडर है, दो इंजन को पावर देनी होती है, तो इसलिए 3 लीटर है, 1.5 लीटर के 2 लगते हैं 3 लीटर इसके अंदर ऑयल डलता है। ठीक हो गया, तो मतलब आप इसकी ट्यूनिंग मतलब हर महीने बाद ये किस तरह कितने किलोमीटर बाद करवाते हैं? ट्यूनिंग इसकी 3,000 किलोमीटर चलने के बाद करवानी पड़ती है। 3,000 किलोमीटर एक महीने में कर लेते हैं 3,000? वो तो निकालने पे है कि मतलब ट्रैक वगैरह। हाँ, वो मैंने देखा आपके काफ़ी सारे स्टेटस लगे होते हैं, बड़े माशाल्लाह ज़बरदस्त आपने लगाए होते हैं, तो मतलब ड्राइवर काफ़ी स्पीड के अंदर गोली बने होते हैं, अब यही पता चलता है कि बस वो जा रहे हैं और नज़र नहीं आ रहे। फिर देखिए एग्जॉस्ट की बात है तो बाइक के आपको इंजन के साउंड सुना देते हैं जो कि टू सिलेंडर है, सिलेंसर है सॉरी,